विभिन्न मांगों के समर्थन में हिल असेंबली पहाड़िया महासभा ने विशाल रैली निकाली। यह रथ मेला से शुरू हुई पाकुड़ दुमका मुख्य सड़क होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां नुक्कड़ सभा हुई। इस दौरान डीसी को मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम का मांग पत्र सौंपा गया। भीड़ की वजह से कलेक्ट्रेट के समक्ष मुख्य मार्ग पर कुछ देर तक यातायात बाधित हो गया। चूंकि यह डिमांड लगातार हम लोग कर रहे हैं, चूंकि देश को आजाद करने में भी बहुत टाइम लगा था और हर चीज असली चीज को प्राप्त करने के लिए समय जरूर लगेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ तो असंवेदनशील शासन है। झारखंड में बिल्कुल यहाँ पर राष्ट्रपति शासन के तरह चल रहा है। लोगों को परेशानी बढ़ी हुई है, किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं हो रही, तो हम कैसे इतना जल्दी आशा करेंगे कि मेरी मांगे जल्दी पूरी होगी। लेकिन अगला स्टेप मेरा यह है कि एक महीने के बाद मैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा, यह मेरा अगला स्टेप है। यदि मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो कहाँ से भी है और गुड्डा से भी पहुँचे हैं, दुमका से भी है और इतनी बड़ी संख्या जो है पाकुड़ जिला से ही है। की जो स्थिति बनी हुई है बिल्कुल ही दयनीय स्थिति है। योजना नीति, अस्थायी नीति और नियमावली नीति बनाने को लेकर है। यह रैली झारखंड में पेशा कानून को लागू कराने के लिए रैली है। यह रैली अवैध रूप से और वैध रूप से आदिवासियों की पहाड़ियों की जमीन को बेहताशा खुदाई करके यहाँ की संपत्ति को लूटी जा रही, उसके खिलाफ का आंदोलन है और आदिम जनजाति आयोग के गठन के लिए आंदोलन है और यहाँ पर सौरिया कंट्री को पहाड़िया राज घोषित करने को लेकर के रैली है और या और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे साथ लिखित रूप से हम लोग भारत सरकार को, राज्य सरकार को भेजेंगे, माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोग भेजवाएंगे, उसी के लिए हम लोग रैली किए हुए। आप लोग अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।